तो आपके पास क्या दिया गया है, 3/3 की डिटरमिनेंट दी गई है एंड यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। एक सिंगल वैल्यू आएगी, क्या करें, हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करते हैं, वी गेट द सेम आंसर। लेकिन हमें कुछ ऐसा वो रो सेलेक्ट करना चाहिए, कॉलम सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अबाउट हम एक्सपेंड करें तो हमें आसान नज़र आए, है ना, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला कॉलम है इसमें एक एंट्री जीरो है, तो हम इसी के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट सी वन, क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा इक्वल्स टू दैट इज टू टाइम्स, है ना, मतलब माइनस ई हो जाता है प्लस, फिर आपका माइनस और प्लस हो जाएगा, तो टू टाइम्स कॉलम बंद रो बंद, माइनर लिखना है हमें, तो जो इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 -5 -1 0, फिर जीरो टाइम्स लिखेंगे नहीं, प्लस थ्री टाइम्स हो जाएगा इसका माइनर, ये क्लोज तो आई है -1 2 और -2 -1, ठीक है। जीरो टाइम्स क्यों नहीं लिखे, जीरो टाइम्स सब जीरो ही आएगा तो क्यों लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0 0 -5 -5 इंटू -1, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 3 और क्या हो जाएगा ये -1 इंटू -1 1 हो गया और -4 हो गया, क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी -10 और ये 5 हो जाएगा, 3 जा 15, तो -10 +15 प्लस का 5 आ गया, दैट इज योर आंसर।